अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगराज की मूर्ति का चयन हुआ है। मूर्तिकार योगराज की मां ने इसे खुशी का पल बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि वह अपने बेटे को मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकी। मीडिया से बात करते हुए योगराज की मां सरस्वती ने कहा, यह हमारे लिए खुशी का पल है, मैं उसे मूर्ति बनाते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसने बोला कि वह मुझे आखिरी दिन ले जाएगा, मैं स्थापना के दिन जाऊंगी। मूर्तिकार अरुण योगराज की मूर्ति की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम और हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। बता दें कि योगीराज एक जाना माना नाम है और इस सोशल मीडिया पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे 37 वर्षीय अरुण योगीराज मैसूरु महल के शिल्पकारों के परिवार से आते हैं। अरुण के पिता गायत्री और भुवनेश्वरी मंदिर के लिए भी कार्य कर चुके हैं। MBA की पढ़ाई कर चुके योगीराज पांचवी पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। MBA की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में भी काम किया, लेकिन 2008 में मूर्तिकार बनने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। योगीराज ने अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के अलावा मैसूरू में महाराजा जय चामराजेंद्र वडेयार की 14.5 फुट की सफेद संगमरमर की प्रतिमा, महाराज श्री कृष्णराज वाडियार 4 और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद संगमरमर की प्रतिमा भी बनाई है। इंडिया गेट पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी उन्होंने ही तराशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।